नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में निर्दल प्रत्याशी के समर्थन में द डिस्ट्रिक्ट बार व सेंट्रल बार के अधिवक्ताओं ने भी अपना समर्थन दिया है। सोमवार को डिस्ट्रिक्ट बार में बैठकर डिस्ट्रिक्ट व सेंट्रल बार के अधिवक्ताओं नगर पालिका चुनाव में नगर पालिका परिषद से अध्यक्ष पद के निर्दल प्रत्याशी हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव एडवोकेट के समर्थन में आ गए। सेंट्रल बार एसोसिएशन मंडल आजमगढ़ के अध्यक्ष प्यारे मोहन, मंत्री जयप्रकाश यादव और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कलेक्ट्रेट आजमगढ़ के अध्यक्ष दयाशंकर सिंह पटेल आदि पदाधिकारियों ने हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव को अपना समर्थन दिया। अधिवक्ताओं ने कहा कि वे एक सुयोग्य अपने साथी हैं, ईमानदार छवि और सामाजिक कार्यों को देखकर यह फैसला लिया गया है। आज आपने प्रत्याशी को समर्थन दिया, किसको दिया, किस कारण दिया है? समर्थन किसी प्रत्याशी को नहीं, आज हमारे जो है हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव जी यह नगर पालिका के चुनाव लड़ रहे हैं अध्यक्ष पद पर, और ये अधिवक्ता हैं। हम लोग अधिवक्ता संगठन से जुड़े हैं, इसलिए अधिवक्ता के साथ हैं। आप लोग का बार पूरा हरिकेश को समर्थन दे रहे हैं? अधिवक्ता के नाते सभी लोग देंगे, क्योंकि अधिवक्ता हैं। पिछले बार लड़े थे, बहुत मामूली वोट से हारे थे, इसलिए अधिवक्ता के साथ अधिवक्ता हैं। इस नगर पालिका के चुनाव में हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव जो हमारे संघ के सदस्य भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, इसलिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि हम हरिकेश विक्रम के साथ तन मन धन से रहेंगे और उनको अपना समर्थन देंगे। हम सभी लोग यहाँ नगर के जो चुनाव है इसमें जाति, धर्म और दल तीनों से हट के एक ऐसे प्रत्याशी को समर्थन कर रहे हैं जिनका योगदान इस नगर में भारत रक्षा दल के साथ बराबर रहा है और इस नगर को स्वच्छ बनाने में, चाहे कोरोना काल में सहयोग करने का रहा हो या हर समय जो लावारिस लाशों का दाह संस्कार है, बराबर उनका कार्य चलता रहा है। इन सभी बातों को देख के जाति, धर्म और दल से हट के सारे नगरवासी, सारे अधिवक्ता हथौड़ा पर चुनाव वोट दे के हरिकेश को विजयी बना। अधिवक्ता समाज मेरा परिवार है, मैं यहाँ का, मेरी ये कर्मस्थली है, सभी लोग मेरे गुरुजन हैं, कुछ मेरे साथी सहयोगी हैं और मैं यहाँ का अधिवक्ता समाज से आता हूँ और मेरे बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप लोग गुरु हैं, मेरी मेरे कामों को देखा है आप लोगों ने। अब मुझे एक तरह से प्रोत्साहित करने के लिए एक तरह से मेरे कामों को पुरस्कृत करने के लिए आप लोग समर्थन कर रहे हैं, मुझ पर भरोसा जता रहे हैं और मैं इनके भरोसों पे पूरा खरा उतरूंगा और जो उम्मीद हमारा बार कर रहा है कभी इनका गौरव गिरने नहीं दूंगा, कहीं से अपमानित नहीं होंगे ये लोग मेरा समर्थन करके, और आजमगढ़ नगर को स्वच्छ, हरा भरा, सुंदर और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का जो मैं संकल्प लिया हूँ, मैं आप सभी को भरोसा देता हूँ कि मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा और अपने इस परिवार के प्रति मैं पूरा आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। समाज का प्रहरी होता है, जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं हमेशा अधिवक्ताओं ने लड़ा है, तो अधिवक्ता समाज जब मेरे साथ इस तरह से खुल के आया है, अब शायद मुझे कोई न पार्टी हरा पाएगी, न कोई नेता हरा पाएगा, न धन बल और एक तरह से पैसा बल कह लिया जाए, सारे समीकरण धराशायी होंगे। अब यहाँ पे आप सभी का आशीर्वाद सहयोग मिल रहा है, आप 13 तारीख को देखिएगा, आप सभी का आशीर्वाद सहयोग फलीभूत होता दिखाई देगा। मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ अपने इस परिवार को।
हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।